जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, ब्रोकर सिलेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर पिछला वीडियो आपने देख लिया और अगर आपने ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया कौन सा हो, तो फिर आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं आपको अपस्टॉक के साथ ओपन करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को लगेगा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लेटेस्ट एक महीने पहले का, आपका सिग्नेचर और एक गंदी सी शक्ल वाली फ़ोटो जो सबके पास होती है। तो ये सब खुलने होने के बाद आप उस सबको एक फोल्डर में डाल दीजिए पीसी के। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया जिसमें है मेरी फ़ोटो, मेरी सिग्नेचर, मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड और ये मेरा बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट। तो ये सब होने के बाद, ये सब जमा करने के बाद अभी आप हम सीधा जाएंगे अपस्टॉक की वेबसाइट पर। अपस्टॉक्स तो देखो सबसे पहला एड भी उनका ही आता है, तो ओपन डिमैट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ओपनिंग के बाद यहाँ पे हम डालेंगे अपना ईमेल एड्रेस जिसके ऊपर अपने ओटीपी भी आएगा। फिर यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर डालना है। पैन कार्ड से आपके आधार कार्ड की डिटेल्स फैच कर लेगा। तो अभी आपको ये सब भी फिल करना है, लेस देन वन ईयर, बिलो वन ईयर, नो पेशेंट। मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट करूँगा। योर फादर नेम है इसका पैन कार्ड। नो मेल लेस देन, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ मैंने पढ़ लिया है। और नेक्स्ट ये सब देखो, ये दोनों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी और डेरिवेटिव कमोडिटी, ये दोनों फ्री है तो मैं ये दोनों सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये मेरा प्रायोरिटी पैक मैं ऐसे रखूँगा क्योंकि कुछ चार्जेस हैं ना, मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ इंट्राडे पे, इसीलिए मैं ये सेम रख रहा हूँ। अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो इसको, मैं तो प्रायोरिटी में रखूँगा। बाद में आप इसे चेंज भी कर सकते हो अकाउंट के सेटिंग्स में। मैं ये दोनों ले रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये फ्री है, इसीलिए ये दोनों मैं ले लेता हूँ। नेक्स्ट ओके यस आई ओके। तो सिग्नेचर अपलोड करते हैं। आप जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर नाम का करके रखा है, ये सिग्नेचर अपलोड व्यू सैम्पल, ये आप ऐसा कर सकते हो। तो किया था इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ जो है वो ऑप्शनल है, अभी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो बैंक का डिटेल्स अपलोड करके, या फिर बाद में जब आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तभी आप कर सकते हो, ऑप्शन होता है वहाँ पर एप्लीकेशन में। तो अगला स्टेप में जो डिजी लॉकर के साथ आपको ओपन करना है, तो डिजी लॉकर जो है वो आपका आधार कार्ड के साथ लिंक होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इसके ये स्टेप के कनेक्ट टू यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, कनेक्ट योर डिजी लॉकर विद अपस्टॉक। फिर वहाँ पे उसका आधार कार्ड नंबर पूछेगा वो आपको, आधार कार्ड नंबर जैसे ही आप एंटर करोगे अपना, तो जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, मतलब अगर समझो मेरा मोबाइल आधार कार्ड एक मोबाइल नंबर पे लिंक है, तो आप जैसे ही मेरा आधार नंबर एंटर करोगे तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी ये पूछेगा और कुछ परमिशंस मांगेगा डिजी लॉकर से। तो वो परमिशंस अलाउ करने के बाद आपका डिजी लॉकर का भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आप देख सकते हो यू हैव कनेक्टेड योर अपस्टॉक अकाउंट विद डिजी लॉकर। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही रेफ़र करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं अभी तो स्किप करूँगा क्योंकि मुझे तो किसी को रेफ़र करना नहीं है अभी के लिए, बाद में करना होगा। आप बाद में लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ से। तो जैसे ही रेफरल हो जाएगा तो ईमेल एड्रेस भी कंफर्म करना है, तो ईमेल एड्रेस कंफर्म करने के लिए बस कंफर्म पे क्लिक कीजिए। ओटीपी आपने जो स्टार्टिंग में ईमेल एड्रेस डाला था
वही आप कंटिन्यू कर सकते हो या फिर आप एडिट भी कर सकते हो। तो मैं वही कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे ओटीपी आएगा मेरे ईमेल पे, मैं ईमेल चेक करके ओटीपी एंटर करता हूँ यहाँ पे। ईमेल ओटीपी करने के बाद आपको ब्रोकरेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से फ्री नहीं है अभी अकाउंट। अभी अकाउंट ओपन करने के लिए आपके आपको अकाउंट बनाना है, ये भरना ही पड़ेगा ब्रोकरेज मिनिमम जो 299 है। तो मैं प्रीफर करूँगा अगर आप इन्वेस्टर हो मेरे जैसे तो आप ये मनी कंट्रोल का पैक ले लीजिए 299 का। अगर आप इंट्राडे करने की सोच रहे हो तो आप ये 299 का 400 का पैक ले लीजिए। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए दोनों अलग अलग होता है, तो ये वाला आप ले सकते हो अगर आपको करना है तो। ये सब अलग अलग पैक्स हैं यहाँ पे, और मैं तो मनी कंट्रोल के साथ ही जाऊँगा। जाना होगा तो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा तो ये इस पर क्लिक करो। ये 352 बोल रहा है, आप देख सकते हो 299 सेलेक्ट करके भी 352 बोल रहा है। तो ये होता है असली असली चार्जेस अब स्टॉक का, ये हिडन बिल्कुल नहीं है आपके सामने। तो मैं इसे पे करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपकी ईमेल और उस पर एक पासवर्ड आएगा 1-2 दिन बाद, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो जैसे आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद आपके आपको अपस्टॉक की तरफ से एक मेल आएगा, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। स्क्रीन शॉट मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि वी आर रिव्यूइंग योर फॉर्म करके। तो जैसे फॉर्म रिव्यू हो जाएगा तो उसी टाइम के उसी दिन के आसपास आपको NSDL करके एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बीच में आती है, तो वो भी उसके तरफ से भी आपको एक मेल आ जाना चाहिए। वही सेम मेल में आपको आपका UCC ID मिलेगा। उस UCC ID को लेकर आप डायरेक्ट सीधा अपस्टॉक की वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पर जाकर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए, क्योंकि पासवर्ड वहाँ पे आता नहीं है मेरे शॉप एक्सेस में, मुझे तो नहीं आया था। तो प्रो वेब पर क्लिक कीजिए, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका UCC ID डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और वेरीफाई OTP पे क्लिक कीजिए। जैसे आप OTP वेरीफाई करेंगे साइन इन हो जाएगा, तो आप अपस्टॉक प्रो के सीधा वेब पर आ जाएंगे। तो अपस्टॉक तो यहाँ पर साइन इन कीजिए। प्रो से आपका कुछ ऐसा आपका लॉगिन स्क्रीन होगा, आ गए स्किप करके। खैर वैसे सॉरी यार, वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, सोचा नहीं था इतनी बड़ी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले ना, आपने जो भी ब्रोकर आपने सोचा होगा ना उसके साथ आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। जो भी वो ट्रेडिंग ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग के जो भी चार्जेस लेता है उसे आप स्किप कर सकते हो। देखिए उसके लिए ना थोड़ी सी आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, पर अगर आप टिकटॉक देखते हो तो आपके अंदर पेशेंस होगा नहीं, क्योंकि उसने अटेंशन स्पैम इतना कम करके रखा है। तो देखो सबसे पहले ना, तो मैंने आपको पीछे दिखाया था कि 354 करके चार्जेस दिखा रहा था अपस्टॉक पे ओपन करने के। तो मैंने क्या किया, मैंने वो चार्जेस नहीं भरा और मैंने 2 दिन, 1 दिन मतलब रात को उस दिन सोया और सुबह उठ के मैंने चेक किया। सुबह उठ के मैंने अकाउंट ओपनिंग का फिर से नया फॉर्म तो नहीं भरा, बट कंटिन्यू एप्लीकेशन किया। वहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन करके ऑप्शन आता है, तो मैंने वो सबसे पहले तो ऑप्शन कंटिन्यू किया। उसके ऑप्शन पे क्लिक कंटिन्यू करने के बाद ना वहाँ पे आ रहा था कि क्लिक हियर टू ओपन अ फ्री अकाउंट, तो दिस इज़ अ लिमिटेड टाइम ऑफर। तो देखो सबसे पहले तो इससे पता चलता है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है, तो इसकी वजह से आप जो भी चाहो ना, तो आपको सिर्फ पेशेंस के साथ ना उस ब्रोकर के साथ जुड़े रहिए, अकाउंट का जो फॉर्म है उससे डीले करते रहिए, क्योंकि जब तक वो ना आपकी फ़ीस वेव नहीं कर देता वो अकाउंट ओपनिंग की। तो जैसे ही आपकी फ़ीस वेव हो जाएगी ना, आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट करके अकाउंट ओपन हो सकते हो। तो मैंने जो आपके सामने अकाउंट खोला था वो मैंने फ्री में ओपन किया था। मैंने 354 चार्जेस तो नहीं भरा अभी तक, ना ही वो आगे मेरे से मांगेगा अकाउंट ओपनिंग के। तो मैंने अकाउंट ओपनिंग जैसे फ्री में किया वैसे आप भी कर सकते हो, बस थोड़े पेशेंस के साथ फॉर्म कंप्लीट मत कीजिए जब तक वो ब्रोकर आपको ये नहीं बोल देता कि चलिए ठीक है आपके अकाउंट चार्जेस हम माफ़ कर देते हैं। तो सबसे पहले ना उसके लिए देखो रेफरल कोड डालना बहुत ज़रूरी है। आप मेरा डालो या किसी और का डालो, आपको ऊपर आई बटन में आ जाएगा, आप वो डालेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो आप रेफरल कोड डालना मत भूलिए UCC नंबर करके, और ना ब्रोकर को जितना हो सके उतना उससे खींचिए, मतलब उसके ये ऐसा दिखाइए कि आपको बस मार्केट में आना है, बस आप इतने उत्सुक नहीं आने के लिए, बट आपको सिर्फ जुड़ना है उसके साथ। तो
थोड़े बहुत करके थोड़ा रो धोने के बाद वो ब्रोकर आपको मैक्सिमम ना 2 दिन के अंदर ना आपका अकाउंट फ्री में ओपन हो जाएगा। बस थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है और बस यही मुझे बोलना था। तो मैंने अकाउंट जैसे फ्री में ओपन किया वैसे आप भी कर सकते हो, बस थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। और अकाउंट का फॉर्म तब तक कंप्लीट मत कीजिए जब तक ब्रोकर वहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा देगा कि क्लिक हियर टू ओपन अ फ्री अकाउंट, कंटिन्यू योर एप्लीकेशन टू ओपन अ फ्री अकाउंट वगैरह ऐसे कुछ। तो जैसे वो आपका ओपन हो जाएगा तो मुझे रेफरल करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।